मुझे लगता है जब खेलता था तो उसको लगता था कि ऐसे से कॉन्फ्लिक्ट से इट वुड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम। पर एक यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अपने कंटेम्प्रेरीज से, अपने सीनियर से, उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, जिसने ज्यादा मैचेस खेले वो बेटर है और उसकी बात जो है वो तुम्हारी बात से बढ़िया है या वो बात सही है। कमेंटेटर्स भी रहते हैं, उनके भी ऊपर प्रेशर रहता है कि दे कैन नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी, तो यहाँ थोड़ा सा लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। बट आई थिंक यू जस्ट टेक अ बैक सीट, क्योंकि आप इतना इंटेंस मत हो, बिकॉज उससे टीम का थोड़ा सा वो अलग सा माहौल सा बन रहा था। नहीं वो ठीक है, बिकॉज गौतम का क्या है कि मेरा जूनियर भी है और बहुत बढ़िया प्लेयर है, अचीव बहुत किया उसने, बट अच्छा स्ट्रांग माइंडेड है। मुझे लगता है जब खेलता था तो उसको लगता था कि ऐसे से कॉन्फ्लिक्ट से इट वुड ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम एंड इट वर्क फॉर हिम। जब भी वो एक कहीं पंगा लेता था ना तो वो अच्छा करता था, उसको वो चाहिए था। पर वो क्या है कि अच्छा उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स है, स्ट्रांग है उसकी अपनी धारणा है कि नहीं थे कप्तान, तो मैं मान रहा हूँ कि ठीक है नहीं थे। पर अगर आप उस स्टेचर पे हो और आप ऐसी बात करते हो, अगर मैं बोलूं तो ठीक है, पर एक यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अपने कंटेम्प्रेरीज से, अपने सीनियर से, उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, मेरे साथ भी हिस्ट्री है, पर मुझे लगता है कि इफ ही जस्ट टोन्स डाउन अ बिट, ही हैज गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, अच्छा काम कर सकता है, बढ़िया कोच है, मेंटोर है अच्छा, पर मुझे जस्ट वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात जो है ना वो टीम की फिर वो पूरी डॉगमा एटीट्यूड बन जाता है जिस टीम के साथ आप होते हो। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूँ, मुझे बताया कि वो स्क्यूड उसकी वो है अपने जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए तो कोई जेनेरिक बात तो ऐसी है नहीं, तो बट जेनेरिक है बिकॉज यहाँ पे कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में जो मैं फेस करता हूँ और काफी क्रिकेटर्स है और जनरली हमारी जो यहाँ की सोच है इंडिया की कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जो ज्यादा फेमस है और तो और जिसने ज्यादा मैचेस खेले वो बेटर है और उसकी बात जो है वो तुम्हारी बात से बढ़िया है या वो बात सही है, आपकी बात सही नहीं है। तो यहाँ पे कल्चर ऐसा, इसलिए मुझे लगता है कि जो कमेंटेटर्स भी रहते हैं उनके भी ऊपर प्रेशर रहता है कि दे कैन नॉट क्रिटिसाइज एनीबडी, तो यहाँ थोड़ा सा लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, स्पेशली समबडी हुज अचीव्ड अ लॉट, एंड इट्स ट्रू विद गौतम आल्सो। तो गौतम ने ये कहा था कि 2017 में जब वो टीम में आप बिना बताए उनको कप्तान लगाया, नहीं बिना बताए की बात नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा चेंज चाहिए था हमारे, एंड आई वॉज चेयरमैन सिलेक्टर, वो अलग एक हिस्ट्री है, एंड आई टोल्ड हिम बिकॉज मैंने बोला था कि आप एज अ प्लेयर वी नीड यू बैडली, बट आई थिंक यू जस्ट टेक अ बैक सीट, क्योंकि आप इतना इंटेंस मत हो, बिकॉज उससे टीम का थोड़ा सा वो अलग सा माहौल सा बन रहा था, तो वो मैं चेंज करना चाह रहा था, मे बी ही वॉज नॉट ऑन द सेम पेज एज मी, वो सही बात है, बिकॉज मैं अपने व्यू पॉइंट है, उनका अपना व्यू पॉइंट है, और कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छा होता है, मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट जब तक नहीं होता तब तक ग्रो नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं होती। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।